हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आरसीसी डिजाइन में हम आप लोगों को शियर एंड बोन्ड स्ट्रेंथ ऑफ आरसीसी सेक्शन ये चैप्टर आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर में हमने आपको चार महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में आपको बता दिया था, शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस और होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस सेक्शन। ये टॉपिक्स हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा चुके हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स एंड वर्टिकल शियर फोर्स के बारे में, डायगोनल टेंशन एंड डायगोनल कंप्रेशन के बारे में और शियर रिइंफोर्समेंट के बारे में। ठीक है, तो बच्चों इन सभी टॉपिक्स के बारे में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा, जिससे कि आप समझ सकें कि ये टॉपिक्स आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स एंड वर्टिकल शियर फोर्स की। ठीक है, तो शियर फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो हमारी शियर फोर्स होती है, जब किसी बीम पर कोई भार आता है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर मान लेंगे कि ये हमारा कोई बीम है, ठीक है, जब किसी बीम पर कोई भार आता है तो उसकी जो परतें होती है, उसकी सतह जो होती है, लेयर जो होती है, वो एक दूसरे पर से फिसलने की चेष्टा करती है, यानी कि शियर ऑफ करने की कोशिश करती है। ठीक है, और जब ये इस प्रकार से शियर ऑफ करने की कोशिश करती है, ठीक है, जब ये इस प्रकार से शियर ऑफ करने की कोशिश करती है, यानी कि जो हमारा सेक्शन है वो ये हमारा सेक्शन है, और जब इस सेक्शन पे से ये दोनों तल एक दूसरे पर से फिसलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारा तल होता है इस पर एक टेंजेंशियल फोर्स यानी कि स्पर्शरेखीय बल कार्य करने लगता है, और उस स्पर्शरेखीय बल को ही हम शियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, और जब ये स्पर्शरेखीय बल वर्टिकली कार्य करता है तो इसे हम वर्टिकल शियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं फिर, हम वर्टिकल शियर फोर्स। लेकिन अगर हम इस वर्टिकल लेयर के बारे में बात ना करके हम हॉरिजॉन्टल लेयर के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम हॉरिजॉन्टल लेयर के बारे में बात करें और इस पर कोई लोड आ रहा है, ठीक है, ये जो हमारा बीम है इस पर कोई लोड आ रहा है, तो हम हॉरिजॉन्टल लेयर के बारे में अगर हम बात करें तो जब ये लेयर, ठीक है, एक दूसरे पर से शियर ऑफ करने की कोशिश करेगी, ठीक है, और यहाँ पर जो टेंजेंशियल फोर्स होगा उसे हम हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स बोलेंगे। ठीक है, आई होप हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स एंड वर्टिकल शियर फोर्स के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स होता है उसकी दिशा इस प्रकार होती है और जो वर्टिकल शियर फोर्स होता है उसकी दिशा इस प्रकार होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डायगोनल टेंशन एंड डायगोनल कंप्रेशन के बारे में। ठीक है, तो बच्चों जो आपका डायगोनल टेंशन एंड डायगोनल कंप्रेशन होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स होता है और जो वर्टिकल शियर फोर्स होता है, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स होता है इसमें मैं आपको बता दूं कि ये हमारे वर्टिकल शियर फोर्स का पूरक होता है, यानी कि एक सप्लीमेंट के रूप में कार्य करता है हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स अकॉर्डिंग टू वर्टिकल शियर फोर्स। ठीक है, तो इन दोनों का जो परिणामी होता है उसे हम डायगोनल टेंशन या फिर डायगोनल कंप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और इनकी स्थिति कहाँ पर होती है, यदि हम टेंशन जोन की बात करें, जो हमारा बीम होता है उसके यदि हम टेंशन जोन की बात करें तो उसमें जो इन दोनों बलों का परिणामी होगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे डायगोनल टेंशन। ठीक है, और जो अगर हम बात करेंगे कंप्रेशन जोन के बारे में, ठीक है, तो जो इनका परिणामी होगा तो उसे हम बोलेंगे डायगोनल कंप्रेशन। ठीक है, तो ये होते हैं आपके डायगोनल टेंशन एंड डायगोनल कंप्रेशन। अब इन दोनों डायगोनल टेंशन एंड डायगोनल कंप्रेशन का ये जो दोनों बल होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इनके प्रतिबलों का जो मान होता है उसका मान वी अपॉन बी गुणा डी के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बल है और बल का जाहिर सी बात है प्रतिबल भी होता है। ठीक है, तो इनके प्रतिबलों का मान जो होता है वो V अपॉन बी गुणा डी के बराबर होता है। ठीक है, इसमें V जो है वो कर्तन बल है, ठीक है, और B और D जो है ये आपको पता है ये आपकी धरण की प्रभावी गहराई है और B जो है वो धरण की चौड़ाई है। ठीक है, और जो V है हमारा, अगर हम बात करते हैं टेंशन जोन की, ठीक है, तो ये होगा आपका डायगोनल टेंशन वाला कर्तन बल। ठीक है, और
यदि हम कंप्रेशन जोन की बात करेंगे तो ये होगा संपीड़न डायगोनल कंप्रेशन वाला कर्तन बल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा डायगोनल टेंशन होता है और डायगोनल कंप्रेशन होता है उनके कारण जो हमारा बीम होता है उसमें क्रैक्स किस टाइप से आती है और किस प्रकार आती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगा डायगोनल टेंशन का और डायगोनल कंप्रेशन का। ठीक है, जैसे कि ये आपका एक बीम है, ये बीम है, ठीक है, और यहाँ पर कोई आलम है, ठीक है, ये सपोर्ट है। तो जो हमारा डायगोनल टेंशन के कारण जो क्रैक्स आती है वो इस टाइप से आती है। ठीक है, इस टाइप से आती है, जो हमारे आलम होते हैं उनसे दूर जाती हुई जो क्रैक्स होती है वो होती है आपकी डायगोनल टेंशन के कारण। ठीक है, और जो डायगोनल कंप्रेशन के कारण होती है क्रैक्स, ठीक है, जो डायगोनल कंप्रेशन के कारण होती है उनकी दिशा आलम्बों की ओर होती है। ठीक है, यानी कि इनमें 45 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है और जो डायगोनल कंप्रेशन के कारण क्रैक्स आती है उनमें 45 डिग्री का कोण इधर बनता है। ठीक है, तो ये अंतर होता है डायगोनल टेंशन की क्रैक्स में और डायगोनल कंप्रेशन की क्रैक्स में। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन टॉपिक को आपको याद रखना है, क्योंकि मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि कहीं पर भी आप साइट पर अगर जाओगे, ठीक है, और आपसे कोई पूछने लग जाए कि इस प्रकार की जो क्रैक्स होती है वो कैसी क्रैक्स होती है, तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, ये टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो डायगोनल टेंशन एंड डायगोनल कंप्रेशन है इनके कारण दरारें किस प्रकार से उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे कि हम मान लेंगे कि ये आपका एक बीम है, ठीक है, ये आपका एक बीम है और ये इसकी न्यूट्रल अक्ष है। ठीक है, ये न्यूट्रल अक्ष है और ये इसके आलंब है। ठीक है, ये इसके क्या है, आलंब, सपोर्ट इन्हें बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा आपने अपनी पिछली क्लास में यानी कि सेकंड ईयर में आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, जैसे कि ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम में जो आपका बेंडिंग मोमेंट होता है वो सबसे मैक्सिमम कहाँ पर होता है, उसके मिडिल पॉइंट पर। ठीक है, जैसे कि यदि इस बीम पर कोई यूडीएल लोड आ रहा है तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर इसके मिडिल पॉइंट पर मैक्सिमम होता है हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर हम शेयर फोर्स के बारे में बात करें तो मिडिल पॉइंट पर शेयर फोर्स का मान न्यूनतम होता है। ठीक है, मिडिल पॉइंट पर कितना होता है शेयर फोर्स का मान, न्यूनतम, यानी कि अगर यहाँ पर मैक्सिमम है तो शेयर फोर्स का मान यहाँ पर शून्य होगा। ठीक है, तो यानी कि कहने की बात यह है कि जो शेयर फोर्स होता है वो आलम्बों की ओर जाते जाते, यानी कि आलम्बों की ओर तरफ जाते जाते उसका मान बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर यह मैक्सिमम होगा और यहाँ पर भी शेयर फोर्स का मान मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसलिए जो हमारा विकर्ण तनन होता है, ठीक है, जो विकर्ण तनन होता है उसके कारण जो इस मिडिल पॉइंट पर जो क्रैक्स आती है, ठीक है, वो वर्टिकली आएगी, क्योंकि यहाँ पर इसका जो विकर्ण तनन है वो क्षैतिज रेखा में होगा और इस पर जो क्रैक्स होगी वो वर्टिकली आएगी, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, और इससे आगे जाते जाते, इससे आगे बढ़ते हुए इसकी जो क्रैक्स होगी वो 45 डिग्री पर झुक जाएगी। ठीक है, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि जो हमारी क्रैक्स शुरू होती है, सबसे पहले जो हमारा एक्सट्रीम फाइबर होता है धरन का सबसे निचला सिरा जो होता है, ठीक है, उससे जब क्रैक्स शुरू होती है तो वो वर्टिकली उठना शुरू होती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे न्यूट्रल अक्ष तक जाते जाते उसका एंगल 45 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और इसी प्रकार से इसमें भी, ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी क्रैक्स इस प्रकार से आएगी। ठीक है, तो ये होती है आपकी
जो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम होता है उसमें क्रैक्स की स्थिति, तो इस प्रकार से क्रैक्स आते हैं। यहाँ पर होता है आपका 135 डिग्री का कोण और यहाँ पर होता है 45 डिग्री का कोण, ठीक है। यहाँ पर भी अगर कोई क्रैक्स आएगी तो वो भी 45 डिग्री पर ही आएगी, ठीक है, और यहाँ पर भी अगर कोई क्रैक्स आएगी तो वो भी 45 डिग्री पर ही आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए, अब आप डायगोनल टेंशन के कारण जो क्रैक्स आती है आपके सिंपली सपोर्टेड बीम में, उसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके जो शेयर रेनफोर्समेंट होता है उसे हम किस प्रकार से प्रोवाइड करा सकते हैं आपके बीम में, जिससे कि आपका बीम इन डायगोनल टेंशन एंड डायगोनल कंप्रेशन के कारण सुरक्षित बना रहे, ठीक है। तो चलिए, तीन टाइप से हमारा शेयर रेनफोर्समेंट दिया जाता है हमारे बीम में। एक होता है वर्टिकल स्ट्रक्स के रूप में, ठीक है, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल शेयर रेनफोर्समेंट, और दूसरा होता है इंक्लाइंड बार्स और बेंटअप बार्स, यानी कि इंक्लाइंड बार या फिर बेंटअप बार्स के रूप में, जिसे हम बोलते हैं इंक्लाइंड शेयर रेनफोर्समेंट, और या फिर इन दोनों के रूप में भी आप अपनी बीम में रेनफोर्समेंट डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब बात करते हैं वर्टिकल स्ट्रक्स के रूप में हम शेयर रेनफोर्समेंट किस प्रकार से डाल सकते हैं। चलिए, तो चलिए हम बात करेंगे अब शेयर रेनफोर्समेंट के बारे में, ठीक है। जो वर्टिकल स्ट्रक्स के रूप में जो रेनफोर्समेंट दिया जाता है उनमें आपको जो आपके स्ट्रक्स होते हैं उनका आकार क्या रखना है, उनका व्यास क्या रखना है, ठीक है, और उनकी स्पेसिंग कितनी रखनी है कि एक छल्ले से दूसरे छल्ले के जो बीच की दूरी है वो आपको कितनी रखनी है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हम छल्लों का व्यास। छल्लों का व्यास कितना होना चाहिए? छल्लों का व्यास जो है वो 6mm से 12mm साइज का होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपके छल्ले यूज किए जाते हैं वो 6mm से 12mm व्यास तक के छल्ले आपके बीम में यूज किए जाते हैं, ठीक है। कहीं पर भी आप देख सकते हैं, कहीं पर भी यदि आप साइट पर जाओगे या फिर आपके गांव में या फिर आपके क्षेत्र में कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होगा, तो वहां पर यदि आप देखोगे कि यदि किसी बीम को तैयार किया जा रहा है तो उसमें जो छड़े होती हैं, जो में छड़े होती हैं, तो उन छड़ों को बांधने के लिए एक छल्ला यूज किया जाता है, ठीक है। एक छल्ला यूज किया जाता है जो इन छड़ों के चारों ओर घूमकर उसी पॉइंट पर आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो छल्ले यूज किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रक्स छल्ले, ठीक है। तो देखते हैं, हमने भी यहाँ पर कुछ नोट किया हुआ है, उसे देख लेते हैं क्या है। चलिए, इसे भी देख लेते हैं एक बार। छल्लों का व्यास 6mm से 12mm व्यास की छड़ों का चौकोर छल्ला खंड के तनन इस्पात के चारों ओर घुमाकर संपीड़न क्षेत्र तक लाया जाता है, ठीक है। धरन के संपीड़न क्षेत्र में छल्लों को अतिरिक्त छड़ों या लटकन छड़ों से बांध दिया जाता है, ठीक है। यानी कि जो ये छड़े होती है जिनसे इन छल्लों को बांधा जाता है, लटकन छड़े होती है, एंकर बार्स या फिर इन्हें हम हैंगिंग बार्स भी बोल सकते हैं, ताकि यह मजबूती से अटके रहें और कंक्रीट डालते समय विचलित न हो, ठीक है। जो हमारे ऊर्ध्वाधर छल्ले होते हैं, जो वर्टिकल स्ट्रक्स होते हैं, उन्हें बाइंडिंग वायर 20 से 24 गेज के छल्लों द्वारा बांधा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके आकार की। जो ऊर्ध्वाधर छल्ले होते हैं वो 1, 2, 4 और 6 टांग वाले हो सकते हैं। छल्लों का स्वरूप यानी कि उनका आकार जो है वो तय करते समय यह देखना चाहिए कि सभी तनन छड़े सीधी वैनत यानी कि जो स्ट्रेट बार्स हैं और इंक्लाइंड बार्स हैं वे छल्लों की पकड़ में आ जाए। ये सभी बार्स जो होती है, जैसे कि ये लटकन छड़ हो गई, ठीक है, यानी कि एंकर बार्स और जो इंक्लाइंड बार्स हैं, तो छल्लों को डालते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सभी की सभी छड़े छल्लों की पकड़ में आ जानी चाहिए, तब जाकर आप अपना रेनफोर्समेंट सही से कर पाओगे। नहीं तो यदि आपने यहाँ पर इन्हें मजबूती से नहीं बांधा हुआ है, ठीक है, और इन छड़ों को नहीं बांधा हुआ है, तो वे छड़े जो है छल्लों से अलग हो जाएगी और उनके बीच की जो मजबूती होगी, इन छल्लों के बीच की जो मजबूती होगी वो सही नहीं हो पाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर आप कर दो कि इन्हें आप बाहर की तरफ यदि बांध दो छड़ों को, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, जिससे हमें अपने बीम को इस प्रकार से बांधना है इस वर्टिकल स्ट्रिप्स में, जिससे कि वो अधिक से अधिक मजबूती प्रदान कर सके हमारे बीम को, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम।
चलिए अब बात करते हैं हम जो हमारे बीम में छल्ले डाले जाते हैं उनकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि एक छल्ले से दूसरे छल्ले की दूरी कितनी होनी चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दो छल्लों की आपसी दूरी अंतराल कहलाती है, ठीक है, यानी कि पिच कहलाती है। यह अंतराल किसी भी स्थिति में उत्तोलक भुजा जेड से अधिक नहीं होना चाहिए। जो हमारी उत्तोलक भुजा होती है हमारे बीम की, हमारे छल्लों का अंतराल उस उत्तोलक भुजा के मान से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। धरन के किसी भी भाग में पिच का मान 0.75 डी या 300 mm जो भी न्यूनतम हो, यानी कि धरन का चाहे कोई भी भाग हो, ठीक है, उसमें जो छल्लों का अंतराल है वो 0.75 डी या 300 mm से इनमें जो भी न्यूनतम होगा उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्पेसिंग की कि कहाँ पर हमें अधिक स्पेसिंग रखनी चाहिए और कहाँ पर हम स्पेसिंग कम कर रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम में जो कर्तन बल होता है वो अलम्बों के निकट अधिकतम होता है और धरन के मध्य में सबसे न्यूनतम होता है। इसलिए जो हमारा डायगोनल टेंशन कार्य करता है, यानी कि जो हमारी क्रैक्स जो कार्य करती है वो अलम्बों के निकट ज़्यादातर कार्य करती है, ठीक है। इसलिए यहाँ की जो स्पेसिंग होगी वो कम होगी, ठीक है, वहाँ यहाँ की स्पेसिंग कम रखी जाएगी इन छल्लों की, और जो हमारा धरन का जो मिडिल पॉइंट होता है यहाँ पर स्पेसिंग हम बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी स्थिति में धरन के किसी भी भाग में पिच का मान 0.75 डी या 300 mm से अधिक नहीं रखा जाएगा, ठीक है। और छल्लों का अंतराल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, एस बराबर सिग्मा एस वी गुणा ए एस वी गुणा डी अपॉन वी, ठीक है। इसमें जो सिग्मा एस वी है वो छल्ले में अनुज्ञेय प्रतिबल है, ए एस वी जो है वो छल्ले का क्षेत्रफल है, और डी जो है धरन की प्रभावी गहराई है, वी कर्तन बल है, और एस जो है वो स्पेसिंग या फिर पिच है, ठीक है। इसमें हम एक बात और ले सकते हैं कि जो हमारा छल्ले का क्षेत्रफल है, ठीक है, जैसे कि एक टांग वाला छल्ला है, दो टांग वाला छल्ला है, चार टांग वाला छल्ला है, तो ये क्षेत्रफल भी उसी प्रकार से लिया जाएगा, ठीक है। यदि चार टांग वाले छल्ले की अगर हम बात करें, चार टांग वाले छल्ले की, तो इसमें इन छल्लों का क्षेत्रफल 4 × ASB लिया जाएगा, ठीक है, यानी कि ये एक छल्ले का क्षेत्रफल है और गुणा इसकी 4 से कर दी जाएगी क्योंकि ये चार टांग वाला छल्ला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को यूज करके छल्लों का अंतराल निकाल सकते हैं कि हमें कितनी स्पेसिंग रखनी है एक छल्ले से दूसरे छल्ले के बीच की दूरी, ठीक है, हमें कितनी रखनी है वो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, इससे आगे हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।